आज के वीडियो में हम कुछ एंटरटेनमेंट की बातें करने वाले हैं। आज हम रिव्यू करने वाले हैं फिल्म एनिमल। बहुत दिनों के बाद आज मैं कोई फिल्म देख के आया। इसका ट्रेलर मैंने देखा था लेकिन रिव्यू इसका मैंने नहीं किया। आज डायरेक्ट दोपहर का शो में मैं गया था, देख के आया हूँ। तो आइए जानते हैं फिल्म कैसी है और क्या है इस पे मेरा ओपिनियन। तो वन वर्ड रिव्यू इस फिल्म का है, इट्स अ गुड फिल्म। अगर हम इसके स्टोरी की बात करें तो जैसे कि देखिए ट्रेलर में ही आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि ये बाप बेटे के रिलेशन के बारे में बता रहा है। तो क्या होता है, देखिए पिता और जो बेटे का रिलेशन होता है वो ज्यादा बातें नहीं कर पाते हैं, खाली इमोशंस में ही रह जाते हैं। तो इस फिल्म के जरिए क्या बताया गया है, जो बच्चा है आपके पिता के प्रति क्या आशाएं रखता है लेकिन पिता उस पर खरा नहीं उतर पाता, लेकिन एक पिता की जगह से अगर जब हम देखते हैं तो उनको लगता है वो सही कर रहा है। तो इसी चीज को थोड़ा क्रिमिनल वे में, बहुत ज्यादा क्रिमिनल वे में दिखाया है। और इस फिल्म से आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस फिल्म में आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, भर भर के मिलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर के बारे में। तो वो है संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी और हिंदी में कबीर सिंह भी बनाई है। तो वो फिल्में कैसी हैं देखा ही है आपने। जो उस फिल्म को किसी ने बोला था वॉयलेंट फिल्म है, उन्होंने बोला था असली वॉयलेंस क्या है मैं आगे आने वाली फिल्म में बताऊंगा। तो इस फिल्म में उन्होंने बता दिया है, एनिमल जैसे कि नाम में ही है प्राणी, तो पूरे फिल्म में ही है प्राणी और पूरे प्राणी ने तबाही मचा दी है। अगर हम इस फिल्म के सॉन्ग्स की बात करें तो देखिए सॉन्ग्स एक से एक है, एक से एक है। और जो मेरा फेवरेट है इसमें जो अर्जुन वेलिया जो सॉन्ग है वो बहुत अच्छा लगा। बीजीएम की बात करें बहुत सुपर्ब है, किसने दिया है मुझे पता नहीं लेकिन सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। और इस फिल्म देखिए थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, 3 घंटे 15 मिनट की फिल्म बनाई है, डायरेक्टर ने भी बताया था, मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे थे, फिल्म कुछ लेंदी लगी लेकिन आपको उतना बोर नहीं करती है कहीं भी। आप पूरे जो रणबीर कपूर का कैरेक्टर है उसमें आप खो जाते हैं और पूरा ऐसा लगता है भाई उसी के साथ आप बढ़ रहे हैं फिल्म में आगे। ऐसा नहीं आपको कहीं मोबाइल देखने बैठना है, ये देखने बैठना है। जब उसका इंट्रोडक्शन होता है तो सीटियां वीटियां बज रही थी थिएटर में। अब हम बात करते हैं स्टार्स के परफॉर्मेंस में। तो पहले बात करेंगे रणबीर कपूर। रणबीर कपूर भाई इस रोल को जैसे उन्होंने संजू फिल्म में किया था इस रोल को पूरी तरह से खा गया है बंदा, पूरी तरह से उसके कैरेक्टर में घुस गया है। आप उसी के थ्रू पूरी फिल्म में घूमते रहते हैं, 3 घंटे कब निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता। अगला बेस्ट एक्टिंग किया है अनिल कपूर जी ने। अनिल कपूर की भी एक्टिंग बहुत मस्त है, ऐसा फादर जो उन्होंने निभाया है रोल बहुत अच्छा है। अगला मुझे लगा बॉबी देओल का एक्टिंग, बॉबी देओल ने इसमें बहुत ही अच्छा रोल निभाया है, दिखने में इतना इमोशनल कर देते हैं, एक्शन उनके बहुत अच्छे सीन आए हैं। अगला है रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना जैसे कि देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, कुछ सॉन्ग्स में भी हैं वो बहुत अच्छे लग रही हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छा दिया है, एक्टिंग का भी इनको स्कोप देखने को मिला है। तो देखिए टोटल ये फिल्म जो है क्राइम एंटरटेनमेंट है। अगर आप लोगों को गाली गलौज पसंद नहीं है, अगर वायलेंस पसंद नहीं है, आपको खाली कॉमेडी चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए नहीं है। एंटरटेनमेंट के व्यू से अगर आप इसको देखने जा रहे हैं तो क्राइम भर भर के है, जैसे कि ए सर्टिफाइड फिल्म है, गाली गलौज है इसमें और थोड़े अडल्ट सीन्स भी हैं। तो जिनको ऐसे सब ये ठीक लगता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, अब एंटरटेनमेंट में तो आप लोग धार्मिक चीजें देखने जाते नहीं है, मजे लेने जाते हैं, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए इस फिल्म को देखना है बराबर आपको एंटरटेन करेगी। लेकिन आप ये अच्छा नहीं है, वहां इस महिला को ये कर दी, यहाँ इस महिला को ये कर दी, ये सब ढूंढते बैठेंगे तो आप बोर हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए अगर आप इसको देखने जाएंगे बहुत अच्छी फिल्म है। लेकिन जो एजड हैं लोग उनको क्राइम ड्राइम पसंद नहीं आती है तो उन लोगों के लिए फिल्म नहीं है। तो मैं चाहता हूँ वो लोग ना जाए तो ही बेटर है, नहीं तो बोर हो जाएंगे आप लोग। जिनको एक्शन एंटरटेनमेंट क्रिमिनल जो सीन्स है वो अच्छा लगता है देखिए एंटरटेन कीजिए। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।